दतिया जिले में भी अब खेतों में सन्नाटा पसरा हुआ है। किसानों के घर मातम का माहौल है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ऐसे में ओला प्रभावित गांव में पहुंचे और क्षतिग्रस्त हुई फसलों का जायजा लिया। मिश्रा ने पीड़ित किसान परिवारों से मुलाकात की और उन्हें नुकसान की हर संभव मदद किए जाने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया जनपद पंचायत के ओलावृष्टि प्रभावित सनोरा, बरौदी, राजपुरा आदि ग्रामों में खेतों में खड़ी हुई क्षतिग्रस्त गेहूं की फसल का जायजा लेने पहुंचे। किसानों और ग्रामीणों से चर्चा कर उन्होंने ढांढस बंधाते हुए कहा कि वे चिंता न करें, केंद्र एवं राज्य सरकार उनके साथ है। ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई फसलों का हर संभव सहायता शासन से दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी किसानों को मिलेगा। मिश्रा के दौरे के दौरान कलेक्टर संजय कुमार ने बताया कि क्षतिग्रस्त फसलों का कृषि उद्यानिकी एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का संयुक्त दल सर्वे कर रहा है। आकलन रिपोर्ट आने के बाद पीड़ित किसानों को नियम अनुसार राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण तथा किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जगह जगह पर नरोत्तम मिश्रा के साथ किसान परिवार की महिलाएं रो रही थी। इन महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। किसी के यहाँ शादी है तो किसी के गहने गिरवी रखे हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने सबको ढांढस बंधाया और कहा कि इस मुसीबत की घड़ी में सरकार आपके साथ। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी स्वयं खेत खेत पे जा रहे हैं, मैं भी जगह जगह गया हूँ। किसानों को हम 32,000 रुपये हेक्टर का मुआवजा देंगे और इसके बाद बीमा भी दिलवाएंगे, जिसके उसकी पूरी प्रतिपूर्ति हो जाएगी। अगर इनका जो ओला पीड़ित किसान है, इनकी बेटी की शादी है, तो उसे 50,000 रुपया अलग से देंगे। कर्ज वसूली स्थगित कर दी गई और जो पिछले साल कर्ज भरेंगे तो उसका ब्याज भी सरकार भरेगी, किसान को नहीं भरना पड़ेगा। ये जो पोर्टल बंद हो गया था, इन सब के लिए अब 24 मार्च से 26 मार्च तक और पोर्टल खुलवाने की बात की गई है। जो गेहूं हमारा हवा के कारण या पानी के कारण लेट जाता है, उसका दाना पतला होता है, तो उसकी खरीदी के लिए भी केंद्र सरकार से बात कर। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।